नो सर, ज्वाइन नहीं किया। उसको सोने दो। चलिए पराये थे उसमें कोई डाउट है? कल कंपनी ऑडिट शुरू किए थे जहां पर कंपनी ऑडिट का आप क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन 143 141 में मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद ऑडिटर का कैसे अपॉइंटमेंट होता है, इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, चार स्टेजेस स्पेसिफिकली डील करते हैं यहाँ का। एक फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, दूसरा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इन एजीएम, तीसरा रीअपॉइंटमेंट मतलब टर्म खत्म होने के बाद फिर से अपॉइंटमेंट करना, एंड फोर्थ कैजुअल वैकेंसी। तो यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम है? सर एक है सर, बोलो। सर अगर इंडिविजुअल ऑडिटर अपने मर्जी से सर रिजाइन करके जाता है तो, और फिर वो जाता आना चाह रिजाइन का कारण क्या है? डेथ सर ना, कुछ अपना भी हो मर्जी सकता से, है, वॉट एवर। अपने मर्जी से सर, मर्जी से। हाँ ठीक है, अमेरिका है, उसका शादी होने वाला है, बोलो। ठीक है, वो शादी करने गया है तो अभी छोड़ के जा रहा है, और फिर वो आके ज्वाइन करना चाह रहा है तो कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा क्या? कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा मतलब? मतलब उसका टर्म पूरा नहीं हुआ सर, 5 ईयर का टर्म से पहले वो रिजाइन किया और फिर ज्वाइन करना चाह रहा है तो। तो ठीक है, इतना आसान नहीं है। मैं ज्वाइन करना चाहता हूं इसलिए मुझे ज्वाइन करा दीजिए, इतना खेला नहीं है ये। जब भी मैं मांग के चलता हूं, रिमेनिंग पीरियड के लिए उसका पीरियड एप्लीकेबल होगा, मतलब 3 साल के भीतर वो छोड़ के चला गया, उसका तो अच्छा सर, अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता। उसके बाद बाकी 2 साल के लिए उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है, ऐसा गधा गीत का काम कौन करेगा, बोलो। सर हो ही सकता कुछ भी। ना, तुम जितना खेला की तरह अकाउंटेंसी समझ रहे हो सर, इसका अजम्पशन उसका लगा में, उसकी अजम्पशन इसमें, ये प्रैक्टिकल एरिया है, इतना आसान नहीं है। छोड़ के चला गया है, और छोड़ के चले जाने से नहीं होगा, उसके से उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये क्या पॉलिटिकल गद्दी है? चलो एक बार छोड़ के चला गया, दूसरी जगह में चला गया, फिर से नॉट पॉसिबल यहां पर। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। पहले उसका एप्लीकेबिलिटी, ऑडिटर का रोटेशन 139(2) में, द मैंडेटरी रोटेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 139(2). मैंडेटरी मतलब एक कंपलसरी है, आपके शौक के ऊपर नहीं है। ऑफ द कंपनी ऑडिटर हैज गिवन सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग कंपनीज, मतलब फॉलोइंग कंपनी के लिए रोटेशन एप्लीकेबल है। इससे पहले आप इंटरनल ऑडिट का लिए ये ऐसा कुछ पढ़े थे, उसके बाद ये रोटेशन के लिए पढ़ रहे हैं। जहां पर फर्स्ट वन है लिस्टेड कंपनी, उसके लिए रोटेशन एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर मैंडेटरी है। दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल लेस देन द अबव लिमिट बट द बोरोइंग फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 50 करोड़ से ज्यादा। मतलब लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 10 करोड़ से ऊपर कैपिटल है तो कंपलसरी रोटेशन का क्लॉज अप्लीकेबल होगा। प्राइवेट कंपनी के लिए ये शेयर 50 करोड़ से ऊपर अगर होता है, और जो लोग ये दो क्राइटेरिया में नहीं आता है उसका अगर बोरोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ से ऊपर है, तब भी उसके लिए रोटेशन एप्लीकेबल होता है। लेकिन 1% कंपनी, जो कुणाल सर आप लोगों को पढ़ाया था, 1% कंपनी के लिए ये रोटेशन वर्ड एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वहां पर इंडिपेंडेंस इतना मायने नहीं रखता है। नाउ मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ द कंपनी ऑडिटर,
कैसे ये रोटेशन होगा, किसके लिए रोटेशन का क्लॉज एप्लीकेबल है वो तो बोल दिया है, लेकिन कैसे रोटेशन होगा देखना पड़ेगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट, अगर इंडिविजुअल को अपॉइंट करते हैं, नो इंडिविजुअल शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। क्या बोले, कोई भी बंदा अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर कंपनी में नहीं हो सकता फॉर मोर देन वन टर्म, एक टर्म से ज्यादा हो नहीं सकता, ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। एक टर्म कितना साल का, 5 साल का। ऑब्वियसली 5 साल में एजीएम में उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, लेकिन वो मैक्सिमम वन टर्म के लिए एप्लीकेबल अपॉइंटमेंट हो सकता है, सेकेंड टर्म के लिए नहीं। सच रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट शैल बी कंटिन्यूड, ये रिस्ट्रिक्शन चलेगा, कंटिन्यू करेगा फॉर द कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स, 5 साल तक। मतलब एक टर्म खत्म होने के बाद 5 साल वो क्या नहीं कर सकेगा, कंपनी ऑडिटर में अपॉइंट नहीं हो सकता है। Such restriction for appointment shall be continue for consecutive. Consecutive का मतलब एकदम one by one. एक साथ. Consecutive एक साथ 5 साल. From the completion of first term. First term जब खत्म होता है, कब first term खत्म होता है? Sir उसका जिस AGM में उसका appointment होता है, उसको first year मानते हैं. Just जिस AGM में उसका appointment होगा, और completion of 6th AGM उसको हम लोग मानेंगे उसका 5 साल कंप्लीट हुआ। तो 5th AGM कंप्लीट होने के बाद न्यू अपॉइंट ऑडिटर अपॉइंट होने का ये पोजीशन तक उसको बोला जाएगा उसका फर्स्ट टर्म खत्म हुआ। सच रिस्ट्रिक्शन अपॉइंटमेंट शैल कंटिन्यू फॉर कंसेक्यूटिव 5 इयर्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट टर्म नोन एज कूलिंग पीरियड। इसको क्या बोला जाता है, कूलिंग पीरियड बोल के बोला जाता है। तो उसका एक टर्म के लिए अपॉइंटमेंट होगा इंडिविजुअल ऑडिटर को, कल भी बताया था, और ये उसका कोलिंग पीरियड रहेगा 5 साल। मतलब एक टर्म खत्म होने के बाद दूसरे टर्म के लिए उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। तो अगर दूसरा टर्म के लिए रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, तो जिंदगी में कभी नहीं अपॉइंटमेंट होगा। मैंने थोड़ी ही बोला है जिंदगी में कभी अपॉइंटमेंट उसका नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ वर्ड बोला ही नहीं। मैंने बोला है एक टर्म के लिए इंडिविजुअल का अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद 5 साल उसको कूलिंग पीरियड सोने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट हो सकता है 100% उसके बाद अपॉइंटमेंट हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट। इन केस ऑफ फर्म अपॉइंटेड एज अ कंपनी ऑडिटर, in case of firm appointed as company auditor, no firm shall be appointed or no firm shall be appointed। पहले किसके लिए बोला था बेटा, कार्जुन ने बोले छिलाम इंडिविजुअल क्षेत्र। हाँ, अब बोल रहा हूं फर्म अगर अपॉइंट करते हैं, फर्म में अपॉइंट हो, फर्म अगर अपॉइंटेड होता है इस कंपनी ऑडिटर, बेटा फर्म अपॉइंटेड होने के लिए क्या क्या लगना पड़ता है बोलो एक साथ। सर फर्म का मेजोरिटी अपना पार्टनर सीए हुई तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, और दूसरा जो फर्म के बिहाफ में काम करेगा, बिकॉज फर्म तो काम नहीं कर सकता, जो फर्म के बिहाफ में एक्ट करेगा सिग्नेचर करेगा वो क्या हो जाएगा, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा विद सीओपी। नाउ अगर फर्म अगर अपॉइंटमेंट होता है तो क्या होगा, नो फर्म शैल बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज अ कंपनी ऑडिटर फॉर द पर्पस फॉर मोर देन 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर ईच। मतलब फर्म कभी भी 2 टर्म से ज्यादा उसका अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए अपॉइंटमेंट हुआ फिर से उसको रीअपॉइंटमेंट किया सेकेंड टर्म के लिए, लेकिन उसके बाद थर्ड टर्म के लिए अपॉइंटमेंट नहीं होगा बिकॉज उसको 5 ईयर का ईयर तक उसको होल्ड करना पड़ेगा। फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स ईच, मतलब एक एक टर्म 5 ईयर्स का होगा। सच रिस्ट्रिक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी कंटिन्यूड इन द सेम कंपनी फॉर 5 ईयर्स
फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ टू टर्म्स नोन एज कूलिंग पीरियड. मैं यहां पर एक एडिशनल वर्ड बोल देता हूं, सेम कंपनी एंड ग्रुप ऑफ कंपनी. अगर एक कंपनी में उसका रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप कंपनी में भी रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा. मतलब टाटा सन्स छोड़ के तुम टाटा मोटर्स में चले गए ऑडिट करने के लिए नहीं होगा, कूलिंग पीरियड होगा तो उसका ग्रुप कंपनी के लिए ही कूलिंग पीरियड रहेगा. सच रेस्ट्रिक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी कंटिन्यूड इन द सेम कंपनी फॉर द 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ टू टर्म नोन एज कूलिंग पीरियड. यहां पर भी 5 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा. ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर shall not be eligible for appointment as an auditor for 5 years in the same company. बोलो तो ये B क्या C? बोलो तो ये C क्या बोल रहा है? सर ऑडिट फर्म जैसे किसी और फर्म के साथ पार्टनरशिप किया है तो वो भी नहीं जा सकता 5 साल तक. इसका एग्जांपल मुझे समझाओ. मान लीजिए हेना अली जो एक चार्टर अकाउंटेंट है वो एबीसी फर्म में एज ए पार्टनर है. नेचुरली इट हेना अली से पॉसिबल है वो एक्स वाई जेड कंपनी के लिए एक्स वाई जेड फॉर्म का भी पार्टनर बने. हो ही सकता है मल्टीपल जगह में पार्टनर बन सकते हैं. मल्टीपल गर्लफ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो मल्टीपल पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर क्यों नहीं बन सकते? हो ही सकता है, नो प्रॉब्लम. लेकिन मान लीजिए ए बी सी फॉर्म टाटा मोटर्स में अपॉइंटमेंट दिया गया है उसका ऑडिटर के लिए, तो एबीसी फर्म का फर्स्ट टर्म खत्म हुआ, उससे फिर से रीअपॉइंट कर दिया, तो उसका दूसरा टर्म भी खत्म हो गया, उसके बाद क्या अपॉइंटमेंट कर सकेगा? नो सर, एबीसी फर्म अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है. तो एक्स वाई जेड फर्म में अपॉइंटमेंट में आ जाएगा? नहीं सर, ये भी नहीं कर सकेगा. क्यों? एक्स वाई जेड तो अलग फर्म है लेकिन दोनों का कॉमन पार्टनर है. ए बी सी लिमिटेड में भी पार्टनर का नाम है ए, पार्टनर का नाम है सी ए हेना अली. एक्स वाई जेड में भी पार्टनर का नाम है सी ए हेना अली, तो दोनों में ही पार्टनर कॉमन है. तो एक पार्टनर के लिए रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल हो गया तो दूसरा फॉर्म के लिए भी सेम रेस्ट्रिक्शन उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा. 5 टर्म्स. क्लियर और नॉट? सर दूसरा फॉर्म का अदर मेंबर्स कर सकते हैं ना? दूसरा फॉर्म का अदर मेंबर पर्सनल कैपेसिटी में कर सकता है, फॉर्म के लिए नहीं, फॉर्म के बिहाफ पे नहीं. दूसरा पार्टनर अपना पर्सनल कैपेसिटी में, पर्सनल कोई फर्म है तो कर सकता है, नॉट इन द ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म. कैसे कर सकेगा? रेस्ट्रिक्शन तो फर्म के ऊपर आ चुका है. डन. तो ये किसके लिए हुआ? ये इंडिविजुअल एंड फर्म के लिए. फर्म ऑब्वियसली इंक्लूडिंग एलएलपी, लेकिन ये ए बी सी डी ये चार कंपनी के लिए क्या किया गया है? ये चार कंपनी के लिए रोटेशन का रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल हो गया. चार कंपनी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़ से नीचे, प्राइवेट कंपनी 50 करोड़ से ऊपर है तो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा. और कंपनी जिसका शेयर कैपिटल अबव लिमिट में नहीं आता लेकिन बोरोइंग, मतलब वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो बा प्राइवेट कंपनी हो जिसका बोरोइंग फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ से ज्यादा हो. ठीक है? चलो जी. रिमूवल ऑफ कंपनी. द कंपनी ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139, मतलब जो ऑडिटर अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 139 मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, उसको रिमूव किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. उसका टर्म तो एक था तो एक टर्म से पहले ही उसको रिमूव किया जा सकता है फॉलोइंग द प्रोसीड्योर गिवन अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1. क्या है रिमूवल ऑफ ऑडिटर?
40 में क्या दिया है रिमूवल को, पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर सच रिमूवल, रिमूव उसका टर्म मतलब 5 ईयर का जो टर्म है उससे पहले 3 साल के बाद उसको रिमूव करना है, वो बर्बाद कर रहा है बिजनेस को, उसके लिए बोर्ड को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर सच रिमूवल, सच रिमूवल मतलब फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर ऑफ कंपनी ऑडिटर। Application to the central government within 30 days of the passing resolution in the board meeting. इसका मतलब क्या हुआ? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको 30 डेज के भीतर अप्लाई करना पड़ेगा। द कंपनी शैल होल्ड जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल अगर मिल जाता है 30 डेज के भीतर अप्लाई करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर अप्रूवल मिल जाता है तो आपको जनरल मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा, AGM नहीं, AGM साल में एक बार होता है, जनरल मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा, बोर्ड अपने मर्जी से रिमूव नहीं कर सकेगा। बिफोर रिमूवल द ऑडिटर शैल बी गिवन अ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मतलब आप रिमूव करने से पहले उसको धक्का मार के निकालने से पहले इट इज द जिम्मेदारी ऑफ द ऑडिटर मतलब इट इज द राइट ऑफ द ऑडिटर उसको बोलने का मौका दिया जाएगा, बिना मौका दिए आप उसको रिमूव नहीं कर सकेंगे। That is without giving the opportunity of being heard. उसका सुनवाई होगा मतलब उसका बात सुनेगा, सो बोलने का मौका दिया जाएगा। Passing a special resolution in general meeting for removal. याद करो जब अपॉइंटमेंट हुआ था ordinary resolution, जब special remove कर रहा है special resolution. Any student having any idea what is the difference between the ordinary resolution and special resolution? एनी आइडिया आपका सर? ऑर्डिनरी मतलब 50% से ज्यादा होगा और स्पेशल मतलब शायद 80। सॉरी सर, ऑर्डिनरी मतलब 50% से ज्यादा, 50% इन दो, 50% इन फेवर ऑफ द मोशन। ऑर्डिनरी मतलब 50% मोर देन 50% इन फेवर ऑफ द मोशन, फेवर को ऑफ द मोशन में 50% रहना है, और जो लोग मेंबर है वो लोग नहीं, जो लोग मेंबर प्रेजेंट है मीटिंग में। और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है 3/4 रेजोल्यूशन का फेवर में होना चाहिए, दोज आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। समझ में आया? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 50% से ऊपर, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब एटलीस्ट 3/4, 75%, जो जो लोग मीटिंग में है उसका 75% मोशन के फेवर में, रेजोल्यूशन के मोशन के फेवर में आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, तब भी रेजोल्यूशन पास होगा, अदरवाइज नहीं। तो रिमूव करने का स्टेप क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करेगा, करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 डेज के भीतर वो रेजोल्यूशन कॉपी विथ रीजन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देने के बाद 60 डेज के भीतर AGM जनरल मीटिंग मेंबर्स कॉल करना पड़ेगा। मेंबर्स मीटिंग में ऑडिटर को का उपस्थिति मतलब ऑडिटर का सुनवाई होगा, ऑडिटर को बोलने का मौका दिया जाएगा, क्यों मैं आपको रिमूव नहीं करूं, आपने ये सब गुनाह किया है, सब खबर बाहर दिया है, तो मैं आप काम में नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं, तो मैं क्यों आपको रिमूव नहीं करूं। तो ये बोलने के बाद, हियरिंग कंप्लीट होने के बाद, अगर लगा सब मेंबर को ना इसको घटिया इंसान को निकाल देना चाहिए, देन मेंबर को स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 3/4 मेंबर को एग्री करना पड़ेगा इस टर्म में। क्लियर और नॉट? बोलो। यस सर। चलो, तो ये आ गया था रिमूवल सेक्शन 141।
सबसेक्शन वन में कैसे प्रोसीड्योर्स ऑफ रिमूवल। अब आता है रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, ऑडिटर का रेजिग्नेशन कैसे होगा। द फॉलोइंग प्रोसीडियर गिवन अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर टू बी फॉलोड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। मतलब ये फॉलोइंग प्रोसीडियर ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा व्हाइल रिजाइनिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, अपना ऑफिस से जब रेजिग्नेशन देगा तब उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओ बाबा बैटरी चला गया। क्या ऑडिटर भी तो जा सकता है? यस, ऑडिटर हैज टू फाइल अ स्टेटमेंट टू द कंपनी एंड आरओसी, दोनों को, उसको कंपनी को भी देना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी को देना पड़ेगा, इंडिकेटिंग द रीजन ऑफ हिज रीजन फॉर हिज रेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ हिज रेजिग्नेशन। इसका मतलब ऑडिटर जो रिजाइन करना चाहता है वो कंपनी को, आरओसी को एक लेटर देगा, स्टेटमेंट देगा, जहां पर वो रीजन का कारण क्या करेगा, व्यक्त करेगा क्यों वो रेजिग्नेशन देना चाहता है, वट एवर मे बी द रीजन, उसको व्यक्त करना पड़ेगा। वो हो सकता है कंपनी में उसको ऑडिट नहीं करने के लिए दे रहा है, ये भी कारण हो सकता है, और दूसरा उसका पर्सनल रीजन भी हो सकता है। द स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेज ऑफ रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन के 30 डेज बाद उसको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। द ऑडिटर शैल बी पेनलाइज्ड फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ द अबव प्रोविजन। अगर ऑडिटर ये प्रोविजन को कंट्रावेंट करता है, नहीं फॉलो करता है, तो उसका क्या होगा, उसको पेनलाइज किया जाएगा। मिनिमम पेनल्टी 50,000 एंड मैक्सिमम पेनल्टी रुपीज 5 लाख। ओके, तो ये था प्रोविजन रिलेटिंग टू रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। तो एक है रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय द कंपनी जो बिफोर द टर्म कर सकता है, और दूसरा है रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर। क्लियर सर? बी पॉइंट बोलिए ना, उसको स्टेटमेंट कितना दिन के भीतर स्टेटमेंट जमा देना पड़ेगा। पहले वो रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा कंपनी को, तो रेजिग्नेशन लेटर के बाद 30 डेज के भीतर रेजिग्नेशन का कारण उसको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा कंपनी को भी और आरओसी को भी। पहले तो रेजिग्नेशन लेटर देगा कंपनी को, उसके बाद रीजन ऑफ रेजिग्नेशन का एक फाइल 30 डेज के भीतर उसको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक सर, ठीक है, चलो मेन आता है अब। क्या पैछा पैछा पैछा, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 142 याद करो, 139 अपॉइंटमेंट, 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, 141 उसका क्वालिफिकेशन, 142 रेमुनरेशन, सब एक साथ सारा क्लास में जो जो लोग है बोलो। 139 अपॉइंटमेंट, 140 उसका रिमूवल रेजिग्नेशन, 141 उसका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, 142 उसका रेमुनरेशन। अंडर सेक्शन 142 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द रेमुनरेशन ऑफ द कंपनी ऑडिटर शैल बी फिक्स्ड बाय द फॉलोइंग। उसका रेमुनरेशन कैसे फिक्स्ड होगा? ए, द रेमुनरेशन ऑफ द कंपनी ऑडिटर who is appointed by the board of director, मतलब first auditor and casual vacancy other than resignation, याद है ना, casual vacancy and first auditor ये दोनों ही board appoint करता है, तो दोनों के लिए auditor का remuneration कौन fix करेगा? board। दूसरा, remuneration of auditor appointed by the member of the company in the annual general meeting shall be fixed by the member in AGM। मतलब एक कॉमन सेंस अप्रोच, अगर बोर्ड अपॉइंटमेंट देता है दो जगह में उसको दे सकता है, फर्स्ट ऑडिटर के लिए एंड कैजुअल वैकेंसी अदर देन रेजिग्नेशन के लिए, वहां पर बोर्ड डिसाइड करेगा रेमुनरेशन। और दूसरा केस में द रेमुनरेशन ऑफ द कंपनी जहां पर मेंबर इन एजीएम उसके अपॉइंटमेंट किया है, तो रेमुनरेशन फिक्स करने का हक भी
मेंबर का होगा अंटिल एंड अनलेस मेंबर किसी को पावर डिजिग्नेट करता है। ऑडिटर रेमुनरेशन इंक्लूड, उसमें क्या रहता है? ऑडिटर रेमुनरेशन इंक्लूडेड, ऑडिटर रेमुनरेशन इंक्लूड्स फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द ऑडिटर एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट बट एक्सक्लूडिंग द अदर रेमुनरेशन पेड टू द ऑडिटर फॉर अदर सर्विसेस गिवन बाय द ऑडिटर। मतलब अदर देन ऑडिट वो जो अगर कोई सर्विस देता है तो वो अलग से रेमुनरेशन में आएगा, अदर फी अदर एक्सपेंसेस बोल के आएगा, लेकिन कभी भी रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर में नहीं आएगा। तो रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर में क्या क्या आएगा? वो जो काम कर रहा है उसके लिए जो जो वैल्यूएशन टैल्यूएशन कराने के लिए उसका जो एक्सपेंसेस हो रहा है वो, तो क्या क्या आएगा सुनो, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट, रेमुनरेशन इंक्लूड्स, रेमुनरेशन तो उसका ऑडिट करने के लिए जो है उसको होना होगा ही, उसके साथ दो चीज और भी आएगा, क्या? रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑडिटर, ऑडिट करने के लिए अगर ऑडिटर कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड करता है तो वो भी आएगा, प्लस ऑडिटर को कोई फैसिलिटी दिया जाता है जैसे होटल में रहना, प्लेन में जाना, ये सब फैसिलिटी का खर्चा अगर कंपनी उठाता है तो ये भी उसका रेमुनरेशन का ही पार्ट होगा। बट एक्सक्लूडिंग अदर रेमुनरेशन पेड टू द ऑडिटर फॉर अदर सर्विसेज गिवन बाय द ऑडिटर। रेमुनरेशन मतलब कंपनी जो ऑडिटर को पेमेंट कर रहा है, इंक्लूड्स बोल रहा है मींस नहीं, इंक्लूड्स मतलब रेमुनरेशन का जो नेचुरल मीनिंग है वो तो रहेगा ही, उसमें क्या ऐड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा, उसमें ऐड होगा दो चीज, दैट इज स्पेसिफिकली इंक्लूशन है, वन इज ऑडिटर को जो फैसिलिटी दिया गया है उसका खर्चा, प्लस ऑडिटर को जो पैसा रिइंबर्समेंट किया गया है, जो खर्चा ऑडिटर ने किया है ऑडिट कंडक्ट करने के लिए वो आएगा। बट कभी भी ऑडिटर को जो पेमेंट हम लोग ऑडिटर का दूसरा सर्विस के लिए, मान लीजिए टैक्स कंसल्टेंसी के लिए बोला बा लाइक छोटा मोटा सर्विस देने के लिए, ये कभी भी रेमुनरेशन नहीं आएगा, ठीक है? तो देख लीजिए, अदर सर्विस दे सकता है, अदर सर्विस तो उसका रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन तब भी छोटा मोटा सर्विस तो हो ही जाता है वो सबके लिए, उसमें जो जो में रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं दे सकता। ठीक, ओके, अदर सर्विस बोल के वो आएगा, जैसे वो उसने टैक्स ऑडिट का पार्ट कर दिया बा कुछ सर्टिफिकेशन में, जहां पर टैक्स ऑडिट का सर्टिफिकेट लगता है वहां पर साइन कर दिया, उसके लिए नेचुरली उसको एडिशनल रेमुनरेशन मिलेगा, वो रेमुनरेशन ऑडिटर बोल के नहीं आएगा, अदर सर्विसेज चार्ज बोल के आएगा। ठीक है, ठीक है सर। नाउ यहां तक कोई पार्ट ऑडिट और ऑफ कंपनी का फर्स्ट फेज खत्म होता है, उसका तीन फेज होता है, उसमें फर्स्ट फेज खत्म हुआ, दैट इज ऑडिटर का क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट चार स्टेज में है, ऑडिटर का रिमूवल बाय रेजिग्नेशन बाय द कंपनी, ऑडिटर का रेमुनरेशन। ओके, रोटेशन हो गया, अच्छा एक चीज देख लेते हैं, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, चलो नाउ दूसरा पड़ाव आ रहा है, व्हाट आर द राइट्स एंड पावर ऑफ द ऑडिटर। इतना महत्वपूर्ण ऑडिटर क्यों है, क्या उसके पास है जो दूसरे के पास नहीं है? फर्स्ट, आपने ऑडिटर को तो अपॉइंट कर लिया है,
What are the rights of the auditor? Right to access the books of accounts, documents and voucher. ये जिम्मेदारी है ऑडिटर को, आपको ऑडिटर को ये राइट है, ऑथोरिटी है, वो चाहे एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द कंपनी वो चेक कर सकता है, एनी डॉक्यूमेंट वाउचर चेक कर सकता है। आप नहीं बोल सकते चल मैं नहीं दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिखाते हैं तो आइदर सिचुएशन देख को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, बा आपको क्या करेगा, रिपोर्ट देगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट बोलेगा वो मुझे वो जगह ऑडिट करने नहीं दिया है, वो मटेरियल भी हो सकता है। द कंपनी ऑडिटर शैल हैव राइट टू एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाउचर डॉक्यूमेंट्स ऑल अदर स्टैट्यूटरी बुक्स एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द सब्सिडियरीज एंड एसोसिएट कंपनीज फॉर कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब वो सिर्फ कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा ऐसा नहीं है, वो एसोसिएट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा, बिकॉज उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा, वेदर केप्ट एट अ रजिस्टर्ड ऑफिस और इन अदर प्लेस। वो चाहे हो सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है और दूसरा जगह मेंटेन करता है। तो राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वाउचर, दूसरा राइट। राइट टू सिक एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन, वो चाहे तो पूछताछ कर सकता है किसी से, वो चाहे कंपनी का एम्प्लॉय हो, कंपनी का ऑफिसर हो, डायरेक्टर हो और मैनेजमेंट हो। राइट टू सिक एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन, किसी काम का एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है और आप देने के लिए आपको राजी होना ही पड़ेगा। द ऑडिटर कैन आस्क द इंफॉर्मेशन एंड explanation for the management or the officers of the employees of the company for conducting the audit as he considers necessary, jo wo necessary important samajhta hai accordingly auditor kya karta hai, auditor ko explanation and information seek karega। ये इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन सीख करने के टाइम ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना पड़ेगा, उसके टाइम उसको क्या ऑलवेज बीइंग अलर्ट रहना है, स्केप्टिकल, याद है मैंने टर्म सिखाया था फर्स्ट क्लास में, स्केप्टिकल होना चाहिए, ऑलवेज एडल्ट ऑलवेज अलर्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है वो कुत्ता की तरह ऑलवेज भौंकेगा, नहीं, लेकिन वो ब्लड हॉन की तरह नहीं बोलेगा, वो स्निफर डॉग की तरह रहेगा। दैट इज कभी अगर उसको डाउट लगे तो वो उसका क्लैरिफिकेशन लेगा, भाई मुझे उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए। तो दैट इज द राइट ऑफ द ऑडिटर। देखो कैसे मैं लिंक कर रहा हूं सबके साथ। राइट टू प्रेजेंट इन एजीएम, एजीएम में उसका अपॉइंट होने के बाद जितना एजीएम होगा उस हर जगह में उसको अधिकार है, वो रहेगा नहीं रहेगा उसका पर्सनल इश्यू, उसका अधिकार है वो एजीएम में प्रेजेंट रहेगा। द कंपनी ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस, मतलब जितना कॉरेस्पॉन्डिंग एजीएम का नोटिस जितना मेंबर के पास गया है सब ऑडिटर के पास भी जाना चाहिए। एंड ऑल अदर कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू एजीएम, जितना नोटिस डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो सब मेंबर को उसके पास भी जाना चाहिए। ही इज एंटाइटल्ड टू अटेंड and participate in the meeting, वो meeting में participate कर सकेगा, but cannot vote, मतलब वो participate कर सकता है लेकिन vote नहीं दे सकता है, but cannot vote। वोट में मतलब जो रेजोल्यूशन पास में उसका क्या नहीं होगा, उसका कोई वोटिंग पावर नहीं रहेगा। राइट टू रिपोर्ट, द ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच आर प्लेस्ड बिफोर द मेंबर ऑफ द कंपनी एट एजीएम, वेदर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिव्स थ्रू and fair view of the company's affairs। क्या बोल रहा है, it is a right of the auditor, वो company का जो financial statement है, income statement, balance sheet, cash flow statement, notes of accounts, हर item के ऊपर वो अपना report देगा, opinion देगा, it is a right। आप नहीं बोल सकते आप opinion नहीं देंगे, क्या opinion देगा, whether
ऑडिटर के ओपिनियन में क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है कंपनी अफेयर्स का, यस और नो, वो उसको डिटेल्स में देना पड़ेगा। क्लियर? अब आता है राइट टू लियन, उसका अधिकार, लीगल राइट अगेंस्ट द एसेट फॉर द आउटस्टैंडिंग डेट। लियन मतलब उसका अधिकार, उसका क्या अधिकार, आयनानुग अधिकार, लीगल राइट अगेंस्ट द एसेट मतलब कंपनी ऑडिटर आपको कोई पैसा नहीं दिया, क्या कंपनी का बुक्स अकाउंट जो ऑडिटर के पास है ऑडिटर रुक के रख सकता है? द ऑडिटर कैन एक्सरसाइज अ लियन ऑन द क्लाइंट्स बुक्स एंड डॉक्यूमेंट प्लेस इन हिज पोजिशन, मतलब जो उसके पास वो चोरी करके लेके नहीं जाएगा, उसके पास जो बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, वो अपने उसके ऊपर अपना अधिकार एक्सरसाइज द लियन मतलब वो अधिकार को यूज कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है, किसके ऊपर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट जो उसके पास प्लेस्ड हुआ है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस फॉर द वर्क डन बाय द ऑडिटर, मतलब ऑडिटर जो काम किया है जो ऑडिट सर्विस दिया है उसके लिए अगर पेमेंट आप नहीं करते हैं तो ऑडिटर अपना राइट लीगल राइट लियन ऑन द क्लाइंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उसके पास मौजूद है, उसके पास अवेलेबल है, उसके साथ है, उसके ऊपर लियन वो एक्सरसाइज कर सकता है, यूज कर सकता है, मतलब अपने पास रख सकता है, बोलेगा मैं नहीं दूंगा जब तक आप फीस नहीं देंगे। तो देखिए द वेरी इंपॉर्टेंट फाइव राइट्स और पावर ऑफ द ऑडिटर क्या क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है, एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन सीक कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो एजीएम में पार्टिसिपेट करेगा बट वो नॉट कास्ट वोट, और वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट उसके पास है अगर फीस नहीं देता तो उसके ऊपर अपना लियन एक्सरसाइज प्रयोग कर सकता है। देख लो ठीक है, यस सर। नाउ ये तो अधिकार दिया है, अच्छा एक सेकेंड में आप लोग एक बार देख लीजिए,
आप लोगों को एक बता ही देते हैं, दैट इज कल मेरा भैया का ऑपरेशन है ब्रेन में, तो कल शायद मैं क्लास नहीं ले सकूंगा। ओके सर, शायद नहीं, नहीं ले सकूंगा बिकॉज 9:30 बजे से ऑपरेशन है। ठीक सर, ठीक है, मैं सैटरडे में ले लूंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कल का क्लास में सैटरडे में मॉर्निंग में एनी टाइम ले लूंगा। ठीक है बेटा, ओके। एक बार देख लीजिए कल रात को। हाँ, एक ही बता देते हैं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, क्या अगर पोजीशन सब ठीक रहा तो मैं कल कल रात को क्लास लूंगा 8 बजे। आप लोगों के लिए 8 बजे आप लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगा सर? कोई बात नहीं सर, जाइए ना। से पूछ रहा हूँ, 8 बजे कोई प्रॉब्लम होगा? नो सर। तो चलिए ठीक है सर, इफ सिचुएशन सब नॉर्मल रहा मैं 100% कल रात 8 बजे क्लास ले लूंगा। ओके सर। ओके चल, नाउ व्हाट आर द राइट्स एंड पावर, तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब ये राइट और पावर दिया है, ऑडिटर का ड्यूटीज क्या है, ऑडिटर को क्या खेला खेलना पड़ता है वहां पर। ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन द सर्टेन मैटर्स, ये ड्यूटी को हम लोग बहुत हिस्सों में बांटे हैं। उसमें फर्स्ट ड्यूटी आता है ड्यूटी ऑडिटर को कुछ कुछ मैटर के ऊपर इंक्वायरी करना पड़ेगा, ऑडिटर को वो इंक्वायरी करना पड़ेगा ऑडिटर को कुछ कुछ मैटर में, उसका पहला। As per section 143 subsection 1, the company auditor shall make inquiries. क्या क्या? A, whether loans and advances given by the company based on adequate securities. कंपनी तो हो ही सकता है, बहुत लोगों को लोन और एडवांस दे ही सकता है, इंटर कॉर्पोरेट लोन दे सकता है, सप्लायर को दे सकता है और दूसरे किसी को जगह में लोन दे सकता है, गारंटी दे सकता है। कंपनी अगर लोन और एडवांसेस दिया है, दे ही सकता है, अगेंस्ट ऑन एडिक्वेट सिक्योरिटीज और नॉट, मतलब उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी अपने पास रखने के बेसिस में ही क्या लोन दिया है ना, बिना सिक्योरिटी के लोन दिया है, ऑडिटर को इंक्वायर करना पड़ेगा whether whether the terms of loans are not detrimental, मतलब against the interest of the company. Sir, terms of the loan against the interest of the company? For example, मैंने लोन दिया है दो टर्म में, क्या लोन आप रीपे करिए 25 साल तक, भाई आपको कंपनी खुद लोन उठाता है 5 साल के लिए और लोन दूसरे को दे रहा है 25 साल के लिए, तो ये तो कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। दूसरा, कंपनी खुद बोरो करता है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट में और यहां पर बोरो किया, यहां पर लोन दिया है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ये कौन सा भगवान आ गया है जो खुद लोन लेता है 15% में और दूसरे को लोन देता है 5% में, तो इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, डिट्रीमेंटल मतलब वो हानिकारक है, डिट्रीमेंटल का लैंग्वेज का मतलब है हानिकारक, अनफेवरेबल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। वेदर द लोन्स एंड एडवांस आर एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज अ डिपॉजिट, क्या कंपनी के बैलेंस शीट में, कंपनी का बैलेंस शीट में उसको प्रॉपर डिपॉजिट के तरह दिखाया गया है ना शॉर्ट टर्म एडवांस बोल के दिखाया गया है। अगर आप लोन एडवांस कंपनी को जमा देते हो तो क्या वो डिपॉजिट बोल के दिखाया गया है और नॉट। नेक्स्ट, वेदर द ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय द बुक्स ऑफ एंट्रीज आर डिट्रीमेंटल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ये लाइन का मतलब समझाइए, इतना सा महान स्टूडेंट मेरे यहां पर बैठे हैं,
जिसको 99 भी मिलता है, बोलिए समझाइए इसका मतलब क्या है। व्हाट द ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी रिप्रेजेंट मेयरली बाय द बुक एंट्रीज आर डिट्रिमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब एक्चुअल में हुआ नहीं लेकिन सिर्फ बुक एंट्री में के आप बुक एंट्री पास किए हैं, तो ये क्या कंपनी के लिए हानिकारक तो नहीं है? मुझे ये बताइए बुक एंट्री का मतलब क्या है। बुक एंट्री का मतलब क्या है? सर जो बुक्स में एंट्री होता है, जो बुक्स में एंट्री होता है, एंट्री होता है वही मेरा बुक एंट्री है। मुझे एक एग्जांपल दीजिए। आपने अभिजीत सर को लोन दिया, कर्ज देने के बाद छोड़ दे सर का लोन राइट ऑफ कर दिया बैड डेट बोल के, बा आपने मुझे उधार में माल बेचा, आपने कोई प्रोसीडिंग्स बिना करे आप मेरा लोन को राइट ऑफ कर दिया, ये तो कंपनी का लॉस हुआ है, तो बुक एंट्री है। एक्चुअल में बैड डेट हुआ नहीं हुआ बाद में आता है, लेकिन आपने क्या है किया, बुक एंट्री मार के मोरा अकाउंट राइट ऑफ कर दिया, मैं तो बच गया लेकिन कंपनी का तो लॉस हो गया, 4 लाख रुपए कंपनी का नुकसान। तो ये क्या हुआ, वेयर द ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनी, ट्रांजैक्शन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है बाय द बुक एंट्री। बैड डेट का कोई एंट्री होता है, डिस्काउंट अलाउड उसका कोई ट्रांजैक्शन होता है? नो, इट इज अ एंट्री बाय द बुक एंट्री। बुक एंट्रीज का मतलब क्या है, बैड डेट डिस्काउंट अलाउड, दे आर बेसिकली एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, दे आर एंट्री ऑफ बुक इन द बुक्स। तो बुक एंट्री ऐसा कोई तो पास नहीं किया है जो अगेंस्ट द डिट्रीमेंटल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी आपने डेटर्स को 25% डिस्काउंट दे दिया। नॉर्मली आपको डिस्काउंट मिलता है 5%, आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट 25% दे दिया है, और वो भी सॉल्वेंट कंपनी। समझ में आया, बुक एंट्री ये सब बुक में नहीं मिलेगा, सिर्फ ये लैंग्वेज मिलेगा, लेकिन व्हाट आर द कॉन्सेप्ट वो कहां पर लिखा रहेगा आपको। नेक्स्ट, आपके पास वेदर द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ अदर एंटिटीज हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन इट्स कॉस्ट ऑफ परचेज, लेस देन कॉस्ट ऑफ परचेज, इसका मतलब क्या है, आपने अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड शेयर्स में, आपका सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है, हो ही सकता है कंपनी का, अदर कंपनी में अदर एंटिटीज में, क्या वो सेल कर रहा है एट अ प्राइस लेस देन कॉस्ट ऑफ परचेज, वो क्या कॉस्ट से बिलो प्राइस में उसका क्या सेल हो रहा है। वेदर द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ द एंटिटीज हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज से क्या वो लेस में सेल कर रहा है, मतलब लोअर प्राइस में क्या आप सेल कर रहे हो सर, मार्केट प्राइस अगर फॉल करे तो ठीक है, बाद में आते हैं। वेदर द इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर एंटिटीज, वेदर द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ अदर एंटिटीज, अच्छा सॉरी बोल दिया, whether the personal expenses of director has been charged as revenue account, directors का जो personal expenses है क्या वो revenue account में गलती से charge किया है, मतलब director का expenses क्या वो income statement में दिखा रहा है, वो आपको check करना पड़ेगा। एक सेकेंड, वेदर द पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर लोग फैमिली लेके घूमने गए जो आपको अलाउ नहीं था, आपने रेवेन्यू अकाउंट को चार्ज कर दिया, मतलब डायरेक्टर को चार्ज के जगह आपने रेवेन्यू अकाउंट में दिखा दिया, बिजनेस का एक्सपेंसेस बोल के दिखा दिया। वेदर कैश रिसीव फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इशूड, वेदर कैश रिसीव्ड फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इशूड फॉर कैश, कितना प्रकार का, आप लोगों का तो शेयर में आप लोग मास्टर बन चुके हैं, बोलिए तो कितना शेयर,
बोलिए द कंपनी ऑडिटर शुड रिपोर्ट, सॉरी आपने अगर शेयर अलॉटमेंट किया है तो किसके बेसिस में अलॉट किया है, विथ कैश ना विदाउट कैश? कितना प्रकार का अलॉटमेंट होता है, नॉन कैश अलॉटमेंट का नाम सुने हैं? नो सर, सिर्फ कैश सुने, नॉन कैश का अलॉटमेंट नहीं सुने हैं। अच्छा, कंपनी चाहे तो शेयर वेंडर को भी इशू कर सकता है, दैट इज नॉन कैश अलॉटमेंट। दो प्रकार का अलॉटमेंट होता है, कैश अलॉटमेंट, नॉन कैश अलॉटमेंट। तो चलिए, तो अगर नॉन कैश अलॉटमेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, कैश अलॉटमेंट, और एक अलॉटमेंट होता है विदाउट कैश, विदाउट कंसिडरेशन, जो जिसका क्लास अभी आप लोगों का चल रहा है, बोनस शेयर। तो वेदर द कैश रिसीव फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इशूड फॉर कैश, मतलब क्या कैश में जो शेयर अलॉटमेंट हुआ है वो अलॉटमेंट करने के बाद शेयर्स एक्चुअली मिला है, कैश मिला है और नहीं। वेदर कैश रिसीव्ड फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इशूड फॉर कैश, तो ये सब में देखो क्वेश्चन मार्क, मतलब हर जगह आपको सवाल करना है, क्वेरी करना है। द कंपनी ऑडिटर शुड रिपोर्ट इन केस ऑफ अनफेवरेबल आंसर टू द अबव इंक्वायरी, इतना रिपोर्ट इंक्वायरी करने के बाद ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा अगर कहीं पर अनफेवरेबल आंसर है, अदरवाइज वो रिपोर्ट नहीं करेगा। अगर ए बी सी डी ई एफ जी में कहीं पर उसका प्रॉब्लम है तभी वो रिपोर्ट करेगा, अदरवाइज वो रिपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ द कंपनी ऑडिटर टू मेक रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, प्राइमरी ड्यूटीज, दैट इज द ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ द कंपनी दैट, वो कंपनी ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा टू द मेंबर ऑफ द कंपनी दैट, क्या रिपोर्ट करेगा, बेस्ड ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जो उसके पास अवेलेबल है, बेस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गैदर्ड एंड अवेलेबल, जो उसने गैदर्ड किया है, कलेक्ट किया है और अवेलेबल नॉलेज, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड गैदर्ड एंड अवेलेबल, क्या रिपोर्ट करेगा, वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, एंड दूसरा द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कंपनी अफेयर्स का, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर किया है, पहले देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर है, दूसरा बोलेंगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज अफेयर्स। तो इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंक्वायरी करना 143 सबसेक्शन 1 में, दैट इज इंक्वायरी करना, दूसरा 143 थ्रू में उसका प्राइमरी ड्यूटी रिपोर्ट करना, तीसरा ड्यूटी ड्यूटी ऑफ द कंपनी ऑडिटर टू मेक द रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग, जो जनरल मैटर है यहां पर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट, क्या रिपोर्ट करेगा, द ऑडिटर The auditor's report shall also state, report में auditor क्या state करेगा, whether he has sought and obtained all information and explanation which to the best of his knowledge and belief were necessary for his audit, क्या बोलेगा, क्या वो जो जो information report में लिखना पड़ेगा, whether वो जो जो इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन उसको जरूरी लगता है एज पर हिज प्रोफेशनल नॉलेज एंड पर प्रोफेशनल बिलीफ, ऑडिट करने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन लगेगा वो इंफॉर्मेशन उसने अब उसको मिला, उसने चाहा है एंड उसको मिला है, हैज सॉट एंड ऑब्टेन, उसने पूछ उसने चाहा है, मतलब वो
डायरेक्टर और कंपनी को बोला है मुझको इंफॉर्मेशन दीजिए एंड इंफॉर्मेशन उसको मिला भी है. वेदर ही हैज सॉट मतलब वो पूछा है एंड उसको मिला है एंड ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन व्हिच इज टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीव वर नेसेसरी फॉर हिज ऑडिट. बी वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी. जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रोन एज पर लीगली होना चाहिए जैसे कैश बुक लेके सेल जर्नल बुक लेके सब कुछ. वेदर इस उसका ओपिनियन मतलब ऑडिटर के ओपिनियन में जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर लॉ उसको मेंटेन करना चाहिए हैज बीन केप्ट बाय द कंपनी. कंपनी ने उसको रखा है यस और नो. वेदर द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटेड बाय द पर्सन अदर देन कंपनीज ऑडिटर has been sent to him and used by him in preparing his report. मैंने पहले भी कहा है हो सकता है ब्रांच दूर में है ब्रांच में वो जाके ऑडिट नहीं कर रहा है दूसरा कोई ऑडिट कर रहा है तो वो ऑडिट का रिपोर्ट क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है और उसने रिपोर्ट करने के टाइम उसका इस्तेमाल किया है येस और नो. वो बंदा जो रिपोर्ट दिया है बोला है ब्रांच में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है गड़बड़ी हुआ है आपको लगा मैंने तो नहीं देखा मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा. नो आपको लिखना पड़ेगा ब्रांच से जो रिपोर्ट आया है मैंने प्रॉपरली डील किया है यस और नो. डी वेदर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करता है यस और नो. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैलरी दिखा रहा है 10 लाख और आपने वहां पर सैलरी रखा है 25 लाख मतलब ये तो मिसमैच कर रहा है. सेल्स दिखा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स 25 लाख आपको दिखा दिया है 50 लाख तो मिसमैच है. वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है यस और नो. वेदर मतलब यहां पर यस और नो के ऊपर निर्भर नहीं करेगा आपको लिखना ही पड़ेगा ये सब. वेदर इन एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो नहीं किया जो कंपनी का बिजनेस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ सकता है. मतलब आपको ऑडिट करते हुए आपने देखा कंपनी का मेजर पोर्शन प्लांट एंड मशीनरी नेक्स्ट ईयर में बेच देगा ऐसा एग्रीमेंट कर चुका है तो ये तो कंपनी का फंक्शनिंग के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आएगा तो उसको लिखना पड़ेगा. वेदर एन एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ ऑडिट डायरेक्टर. देखिए आई थिंक ये आपका सेमिस्टर 2 में था ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन 162 कुणाल सर ने पढ़ाया था. इसका मतलब है और डायरेक्टर होने के लिए आपको कुछ क्वालिफाइड होना चाहिए कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए. क्या ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ऑडिटर नहीं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी क्या डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है डायरेक्टर होने के लिए तो ये आपको चेक ना करना पड़ेगा. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देखना पड़ेगा. वेदर एनी एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स. पूरा ऑडिट करने के बाद कोई किसी के ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर मैटर के ऊपर अगर कोई एडवर्स रिमार्क है तो आपको लिखना पड़ेगा रिपोर्ट करना पड़ेगा. वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम. कंपनी के पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो है प्लस रिपोर्ट करना पड़ेगा कंपनी के पास क्या फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट है यस और नो. इन द सिस्टम इन प्लेस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द ईयर. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हुआ है थ्रू आउट द ईयर यस और नो. ये ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा ऑडिटर को ये सब रिपोर्ट करना पड़ेगा. मतलब एडवर्स ओपिनियन होगा तब रिपोर्ट करूंगी ऐसा नहीं ये आपको स्ट्रेट वे में रिपोर्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट एक बार फिर से बोलिए ना ये सब मैटर जो मैंने बोला क्या आप ब्रांच को लेके डील किया है आपने जो इंफॉर्मेशन मांगा था आपको मिला है आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्री करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है डायरेक्टर्स आर नॉट डिस्क्वालिफाइड आपने फाइनेंशियल इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट है कहीं पर आपका एडवर्स रिमार्क है और नहीं ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा. रिपोर्ट फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो आपको लिखना ही पड़ेगा. वेयर एज 143(1) में आपको क्या था अगर अनफेवरेबल है तभी आपको लिखना पड़ेगा अदरवाइज नो. 143(1) में बोला गया था अगर अनफेवरेबल है तभी आप लिखेंगे लेकिन यहां पर अनफेवरेबल के और फेवरेबल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है.
मतलब अगर आप देखेंगे 143(1) में आपको बोला गया है ये सब पॉइंट में आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो आप रिपोर्ट करेंगे, लेकिन 143 में ये सब जनरल मैटर वो क्या बोला है, वो बोला है आपको ये सब जनरल मैटर आपको स्टेट करना ही पड़ेगा, फेवरेबल अनफेवरेबल है तो बाद में सवाल आता है, लेकिन आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा मुझे सब इंफॉर्मेशन मैंने जो चाहा था वो मुझे मिला है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है, ब्रांच रिपोर्ट मैंने प्रॉपरली डील किया है, एवरीथिंग ऑडिटर को लिखना पड़ेगा, वो फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो लेकिन ऑडिटर को लिखना ही पड़ेगा मुझे ये सब मिला है, दैट इज कॉल्ड जनरल, मतलब जनरल है तो स्पेसिफिक बात में बोलूंगा। डी, ड्यूटी टू रिपोर्ट अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज अ स्पेसिफिक मैटर्स, पहले था जनरल और ये था स्पेसिफिक, क्या है, as per section 143(11) of companies act 2013 has given section as per nahi hoga, section 143 subsection 11 of the companies act has given the power to the central government to issue the order in consultation with the NAFRA, national accounting framework, financial reporting अथॉरिटी, नाफ्रा का फुल फॉर्म नेशनल अथॉरिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंट्स, ऐसा कुछ है, मैं आपको देख के बता दूंगा, टू इंक्लूड एडिशनल मैटर टू बी रिपोर्टेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या किया है, हैज इशूड कारो 2016, अब 2016 नहीं है 2020 आ चुका है, which applies for the specific class of the company, मतलब 2020 अब आ चुका है, since हम अब अभी भी हम लोग 2016 ही पढ़ते हैं, इसलिए 2020 and 16 दोनों ही लिख के रखेंगे, 2020 which is applied for a specific class of company, मतलब हम लोग कारो जब पढ़ेंगे यहां पर नहीं बाद में पढ़ेंगे, जहां पर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक मैटर के ऊपर इंक्वायरी करना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा, हर साल क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक मैटर के ऊपर ऑडिटर को इंक्वायरी करना पड़ेगा, ये कारो कौन नोटिफाई किया है, कारो नोटिफाई किया है किसने, ऑब्वियसली नोटिफाई करने का अथॉरिटी एमसीए के पास ही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके साथ कंसल्टेशन के ये करेगा, नाफ्रा के साथ, तो ये था जनरल मैटर, ये था स्पेसिफिक मैटर, 43(1) था इंक्वायरी, बी था आपका रिपोर्ट करना पड़ेगा, थ्री आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा जनरल स्पेसिफिक मैटर, मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा बाद में पढ़ाऊंगा, सिर्फ इतना आपको लिखना पड़ेगा, कारो में आपको स्पेसिफिक रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है, ड्यू टू स्टेट द रीजन ऑफ क्वालिफाइड और नेगेटिव रिपोर्ट, इसका मतलब अगर आप ऑडिट करने के बाद आपको किसी मैटर के ऊपर आपका आंसर नेगेटिव और अनफेवरेबल होगा, क्वालिफाइड होगा, तो आपको सिर्फ क्वालिफाइड बोलने से नहीं होगा, रिपोर्ट इज क्वालिफाइड, तो उसका रीजन आपको दर्शाना पड़ेगा, तभी यह हो सकता है। नाउ ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट as per section 145 of the companies act 2013 the auditor of the company shall sign the audit report, company audit report mein signature kar sakta hai, ek bar narendra modi ne bola tha na ca logo ke paas jo power hai wo bharat ka rashtrapati ke paas bhi nahi power hai because they can sign on the financial statement, kisi ke paas ye power nahi hai that he can sign on the financial statement, only chartered accountant ke hi paas ye power hota hai audit report में साइन करने के, ड्यूटी टू कंप्लाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिट इज द जिम्मेदारी ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का ये जिम्मेदारी में आता है क्या, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके ऑडिट करेगा, मतलब वो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करके ही ऑडिट करेगा, ये स्टैंडर्ड कौन नोटिफाई करता है, दैट इज एमसीए नोटिफाई करता है, किसके साथ ये क्या हुआ, विच वॉज रिकमेंडेड बाई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रेकमेंड किया है,
and prescribed by the central government in consultation with National Financial Reporting Authority, NAFRA. National Financial Reporting Authority. Now, duty to report on fraud as per section 143 subsection 12 of the Companies Act. 12 of the Companies Act. If an auditor has identified during the course of the audit any fraud committed in the company by the officer or employee which involve individually an amount 100 lakhs or more, the auditor shall report the matter within the prescribed limit and in the prescribed manner to the central government. ये एक dangerous provision है, ये पहले नहीं था, Companies Act 2013 में डाला है. अगर 100 करोड़ से ऊपर आपको फ्रॉड, 1 करोड़ से ऊपर आपको फ्रॉड पता चल जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जी कंपनी में 1 करोड़ के ऊपर ज्यादा फ्रॉड हुआ है. However, if the fraud involving lesser than 100 lakh shall be reported to the audit committee of the company. अगर 1 करोड़ से कम है तो ऑडिट कमिटी में उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा. मतलब कंपनी में, सर 1 करोड़ के ऊपर होगा तो कंपनी में रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा. हाँ, कंपनी में रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा. लेकिन 1 लाख से अगर 1 करोड़ से अगर कम है तो कंपनी को रिपोर्ट करने से चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना नहीं पड़ेगा. ड्यू टू रिकॉर्डिंग द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, द कंपनी ऑडिटर शैल यूज द रिपोर्ट ऑफ द ब्रांच ऑडिटर, जो मैंने पहले ही बोला था, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी. मतलब ये ऑडिटर का मर्जी के ऊपर नहीं, ऑडिटर को ये करना ही पड़ेगा, ड्यूटीज में आता है, उसको ब्रांच रिपोर्ट उसको कंसल्ट करना ही पड़ेगा जब उसका फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर होगा. उसने जो मेन ऑफिस का ऑडिट किया है उसमें कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं हुआ, लेकिन ब्रांच ऑफिस में फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ, तो ऑडिटर को फाइनल रिपोर्ट में वो दिखाना ही पड़ेगा जब ब्रांच में 1 करोड़ से ऊपर घपला हुआ था. ओके, तो आज का क्लास यहां तक ही हम लोग समाप्त करेंगे. ये हम लोगों ने पूरा ऑडिटर का ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोगों ने पूरा बोल दिया है. तो व्हाट आर द ड्यूटीज एंड पावर्स एंड व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटी के ऊपर हम लोगों का काम हो गया. नेक्स्ट हम लोग स्पेशल रिपोर्ट एंड कारों के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, एंड ऑडिटर का लायबिलिटी के ऊपर. ठीक है बेटा? ठीक सर. ठीक है.